हाँ जी आपकी आवाज हाल में उड़ गई, आगे आ जाइए। और आगे, अरे इधर जगह कर दिया, इधर अष्टदेव हैं, चार विजयमाला से और चार रुद्रमाला से। है नहीं, बनते हैं। फिर माला बनाने के लिए ऊपर नीचे पहला चार मंडल तो रुद्रमाला हो जाता है, बाद में चार तो विजयमाला होता है, फिर ऊपर नीचे होते हैं। चार मण के रुद्रमाला के संपन्न तब बनते हैं जब नंबरवार विजयमाला में पिरोए जाते हैं। तो एक साथ थोड़ी पिरोए जाएंगे, पहले पहला मण का पिरोया जाएगा, साथ में अर्धांगिनी भी होगी। उनकी पवित्रता का पुरुषार्थ, उनके योग बल कहो ज्ञान बल कहो, उसका पुरुषार्थ। तो दोनों को आधा आधा हिस्सा बट जाएगा। ऐसे ही रुद्रमाला के जो और तीन मणके हैं उनका भी आधा आधा हिसाब हो जाता है, वो भी युगल मण के इसी तरह बन जाते हैं। बाकी एक साथ बनने की बात नहीं है। रुद्रमाला को भी देवता धर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष के जो मणके हैं उनमें सिर्फ मुख दिखाए जाते हैं, मुख बोलने का काम करेगा, ज्ञान सुनने सुनाने का काम करेगा, मुख में मन बुद्धि आत्मा बैठी हुई है, याद करने का काम करेगा। बाकी जहां पवित्र रहने की बात आती है उसके लिए तो शरीर चाहिए। तो शारीरिक पवित्रता शरीर के बगैर नहीं हो सकती, शरीर का पुतला है, पांच तत्वों का पुतला, ये प्रकृति है। प्रकृति को स्त्री कहा जाता है, नारी चोला। तो दोनों जब मिलकर के एक हो तब प्रवृत्ति बने। आत्मा पुरुष है, प्रकृति स्त्री है, प्रकृति के पांच तत्वों का शरीर है। तो ये देवी देवता धर्म तब कहा जाता है जब युगल जोड़ी बने। और सप्त कन्या सात कन्याएं, वो तो अलग अलग है।
सप्तऋषि जो है उनकी पूजा नहीं होती मंदिर बना करके, वो सात नारायण ही सप्तऋषि है। और कन्याओं की तो पूजा होती है, तो सप्तऋषि अलग है और सात वो शीतलाएं अलग हैं जिनकी सन्यासी भी पूजा करते हैं। और अष्टदेव कौन होते हैं? अष्टदेव ये रुद्रमलक जी बनाओ, अष्टदेव कौन? रुद्रमाला के जो पहले 12 मणके हैं उनमें नष्टदेव भी हैं, विनाशकारी स्थापनाकारी भी हैं, विशेष पालना करने के भी संस्कार हैं। तो 4 हैं स्थापनाकारी, 4 हैं पालना वाले और 4 हैं विनाशकारी। उनमें विनाश के संस्कार विशेष हैं, वो भी जरूरी है। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक प्रत्यक्षता नहीं होगी। तोड़ा ताड़ी में ज्यादा मेहनत है या स्थापना करने में ज्यादा मेहनत है? ये मकान तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा या बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा? तो जिसमें ज्यादा मेहनत है उनको ज्यादा ऊंच पद मिलता है। जो स्थापना करते हैं वो फिर पालना भी करते हैं, बाकी विनाश करने वाले अलग हैं, वो लास्ट नंबर हैं 12 में से। सावित्री कोई दूसरी थोड़ी है, इत्र कहते हैं सुगंध को, और 100 कहते हैं 100 प्रकार की सुगंध है जिसमें, 100 प्रकार के गुण भरे हुए हैं, गुणों की सुगंध है। तो नाम पड़ा है सावित्री। ऐसी सावित्री सत्यवान को बचा लेती है, सत्य वाला, सत्य को जिसने धारण कर लिया है। सत्य तो एक परमात्मा बाप ही है, परमात्मा बाप उसमें प्रवेश करता है तो सत्य को धारण कर लेता है। फिर क्या पूछा है? बता दिया ना, वीरभद्र कौन है? वीरभद्र कौन है? भद्र माने कल्याणकारी और वीर माने वीरता का कार्य करने वाला। ऐसा वीर जो संसार का कल्याण करने का कार्य करता है उसका नाम रख दिया है वीरभद्र। दूसरे का नाम रख दिया है कालभद्र। देवी के आगे पीछे ये 2 अंग रक्षक दिखाए हुए हैं, एक वीरभद्र और दूसरा कालभद्र। पहले पहले तो वीरभद्र और कालभद्र राम और कृष्ण की आत्माएं ही हैं, काल सामान्य रूप तो सारी दुनिया को आता है, परंतु ऐसा महाकाल बन करके आवे
कि सारी दुनिया का कल्याण कर देवे। भद्र माने ही कल्याणकारी, तो उसे कालभद्र कहते हैं। पहले कल्याण का काम होता है, इसलिए वीरभद्र आगे रहता है और कालभद्र पीछे रहता है। पहले स्थापना हो फिर विनाश हो, ऐसे थोड़े ही पहले विनाश हो जाए फिर भी स्थापना होगी। मकान भी बनाते हैं तो पहले एक कमरा बना लेते हैं सामान वगैरह रखने के लिए, पहले स्थापना करनी पड़े फिर पुराना मकान गिराते हैं। ऐसे यहां भी है। और बाबा 13 अप्रैल 2011 नागतवाणी में बोला है, मधुबन के बिना बाप कहां भी नहीं आता है। है ठीक है, संशय आता है इसमें। मधु माने मिठास और वन माने जंगल, जहां शहद की तरह मिठास भरी हुई हो, वाणी में, वातावरण में, वाइब्रेशन में, दृष्टि में, वृत्ति में मधुरता भरी हुई हो, उसको कहते हैं मधु। शहद, शहद जैसी मधुरता। और वन माने जंगल, अंदर से बेहद की वैराग्य वृत्ति भरी हुई हो, कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं ये सब आज हैं, कल कलास होने वाले हैं। तो ऐसी वृत्ति जहां भी है उसको मधुबन कहेंगे। और मधुबन वहां है जहां मधुसूदन की लीलाएं होती हैं, मधुसूदन रास करते हैं, महारास गाया हुआ है। ये संस्कारों की रास मिलाने की बात है, नहीं तो हर घर में संस्कार टकरा रहे हैं। वो मधुसूदन ऐसा पार्ट बजाता है कि जो जन्म जन्मांतर के संस्कार टकराने वाले राजाएं हैं, उन राजाओं की आत्माएं भी मधुसूदन से रास मिला लेती हैं। जो हरेक गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाया हुआ है रास करते हुए, उसको कहते हैं मधुबन। जहां मधुसूदन ही नहीं वहां मधुबन कहां से हो गया। और मधुसूदन प्रैक्टिकल में चाहिए या सूक्ष्म शरीर वाला चाहिए? प्रैक्टिकल में चाहिए। तो मधुबन के लिए बोल दिया कि जहां जहां मिनी मधुबन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। गीता पाठशाला को भी मिनी मधुबन का रूप दो, ऐसा गीता पाठशाला का नक्शा बनाओ जो मधुबन जैसा देखने में आवे। और ब्रह्मा को तो 8 फेल हुआ, लेकिन ओमराजे मामा को तो पुनर्जन्म नहीं मिला, कैंसर हुआ। और कैंसर में पता ही नहीं चलता है अंदर अंदर कितना बढ़ गया, अचानक मौत हो जाती है। जैसे ब्रह्मा का अचानक मौत हुई वैसे मम्मा की भी अचानक मौत हो गई, उनको भी सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। स्थूल जन्म न मम्मा ओम राधे को मिलता है और न दादा लेखराज ब्रह्मा को मिलता है।
स्थूल शरीर का सारा हिसाब किताब उनका पूरा हो गया। जो भी हिसाब किताब रह गया वो सूक्ष्म शरीर से रह गया। और प्रकाश में जब लोग शरीर में, किसने कहा? नहीं, ये दोनों को ही बताया है, ये दोनों को ही बताया सूक्ष्म शरीर। किसने बताया? आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं? उसको शरीर मिला क्या? शरीर मिला क्या पूछती हूँ। आप कह रहे मिल गया, फिर कहते मिला क्या है? उसको शरीर मिल गया क्या? किसने कहा मिल गया? वो ये नहीं कहा। जो भी सतयुग में नारायण बनने वाली आत्माएं हैं बाद वाली, वो अभी जन्म लेंगी या सूक्ष्म शरीर धारण करेंगी? वो सब सूक्ष्म धारण शरीर धारण करने वाले हैं, सिवाय सूर्यवंशी आत्माओं के। बल चंद्रवंशी ही क्यों न हो, उनको भी सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। हाँ, जो चंद्रवंशी अपने को कन्वर्ट कर देंगे, जैसे चंद्रवंशी राधा, तो कन्वर्ट होने के कारण वो भी सूर्यवंशी बन जाते हैं इसी जन्म में, इसलिए उनको शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। बाकी जो हठ पकड़ के रह जाते हैं, हम ही सच्चे हैं, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग के स्वभाव संस्कार उनके अंदर मौजूद हैं। अब वो चाहे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हो, चाहे बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाले हो, चाहे चंद्रवंश में कन्वर्ट होने वाले हो, कोई भी हो, और बाबा द्वितीय वाले ब्रह्मा का साकार में निराकार ज्योति बिंदु को याद करता है ना? ब्रह्मा साक्षात्कार में, ब्रह्मा साकार में निराकार ज्योति बिंदु को याद करते हैं? मरे हुए में याद करते हैं कि जिंदा में याद करते हैं? याद तो करते हैं, लेकिन मरे हुए के अंदर याद करते हैं या जिंदा के अंदर याद करते हैं? समय भी याद करता था, अब भी याद करता है, मरने का बाद भी। नहीं, याद तो करते हैं, लेकिन जिसमें याद करते हैं वो जिंदा है या मर गया है? फिर फायदा क्या होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा? पास्ट को याद करना अच्छा है या वर्तमान में जीना अच्छा है? क्या अच्छा है? वर्तमान में जीना अच्छा है, पास्ट इज पास्ट, पास्ट को याद भी नहीं करना है। फिर मुरली में तो बोला है ब्रह्मा का चेहरा याद भी नहीं आना चाहिए, ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है। अगर फोटो भी रखेंगे तो पतित हो पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुकर्रर रथ है या टेम्परेरी रथ था? तो टेम्परेरी को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? टेम्परेरी प्राप्ति करेंगे या परमानेंट प्राप्ति करेंगे? 84 जन्मों की तो प्राप्ति हो न सके। और हाँ जी, जगत ज्योति भद्देश्वरी, भद्देश्वरा, बसवन्ना स्वामी। हाँ, तो भद्देश्वरा का अर्थ क्या है? भद्देवी, भद्देश्वरा,
बसवेश्वर भद्रेश्वर बसवेश्वर वसु कहते हैं धन संपत्ति को वसु नहीं बाबा वसु बाबा बोलते ना बसवा माने बैल बसवा माने बैल तो बैल तो ब्रह्मा बाबा हो गया उसका ईश्वर हो गया शिव बाबा बाबा मैं बीके में था पहले वो दृष्टि योग सामने लेने के योग में रहने का समय अपोजिट में योग में रहने हुआ कन्या माता मुझे देवी या देवता का चेहरा दिखाता था योग में दृष्टि योग करने समय फिर क्या हुआ और देवताओं से पतित बनते हैं या पावन बनते हैं भगवान से पावन बनते हैं या देवी देवताओं से पावन बनते हैं भगवान तो क्या चाहिए तुम्हें तुम्हें तो भगवान चाहिए अगर देवी देवताओं को भी याद करेंगे तो कोई पावन बनेगा क्या बनेगा नहीं बनेगा तो अच्छा रास्ता मिला या बुरा वो बुरा वो अच्छा और वो अच्छा और वो बुरा बाबा कहते हैं पवित्रता की बात में माता गुरु को आगे बढ़ाना माता गुरु को फॉलो करना कैसा है कैसा फॉलो क्या क्या हाँ बाबा कहते हैं ना पवित्रता की बात में माता गुरु को आगे रखो हाँ कैसे रखेंगे मतलब पवित्रता की जो पालना है वो कन्याएं माताएं ज्यादा कर सकती हैं या पुरुष कर सकते हैं कौन ज्यादा पालना कर सकता है पवित्रता को जीवन में फॉलो करने वाली जो बात है उसमें कन्याएं माताएं आगे जाती हैं या पुरुष आगे जाते हैं कन्याएं माताएं जब आगे जाती हैं तो उनको गुरु बनाना पड़े अब जिसको गुरु बनाएंगे तो समझना पड़े इनकी बुद्धि पवित्र है और हमारी बुद्धि अपवित्र है क्योंकि हम अपवित्रता का भोग करना चाहते हैं भोग करते हैं हम अपवित्रता में लिप्त हो जाते हैं कन्याएं माताएं अगर चाहें तो अपवित्रता से अपनी बुद्धि को ऊपर उड़ा सकती हैं मुर्दा बन सकती है अपवित्रता का सुख लेने से मन बुद्धि को ऊपर आम कर सकती है तो जिनमें ऐसी शिफ्ट है उनको बड़ा मान लेना चाहिए ना लेकिन वो बड़े मानेंगे तब जब शिव की शक्तियां समझेंगे अपनी शक्ति समझा अपनी घरवाली समझा तो गुरु मानेंगे घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है फिर गुरु मानने वाली बात खत्म हो जाती है इसलिए एक मुरली में बाबा ने बोला कोई ने कहा मेरी युगल ऐसे कहती है वैसे कहती है ऐसा करती है वैसा करती है बाबा ने डांट दिया मुट्ठे तेरी युगल कहां से आई अब तू तो बाबा का बच्चा बन गया यहां तो दूसरा कोई संबंध ही नहीं है भाई और बहन ये युगल कहां से तेरी आ गई बाप तो कहते हैं शंकर की भी युगल पार्वती नहीं है शंकर और पार्वती भी अभी संगम युग में युगल जोड़ी नहीं है वो भी आपस में क्या है वो भी भाई बहन एक ब्रह्मा बाप की औलाद है
जेल में हम ब्राह्मण बच्चे चिड़चिड़ित होता है ना, रामकृष्ण के खेल में, खेल खेल में, खेल में हम ब्राह्मण बच्चे जर्जरित होता है ना, जर्जरी भूत है, जर्जरित होता है, जर्जरी भूत माने बुद्धि जर्जरी भूत हो गई, बुद्धि जड़ बन गई, जर्जरित होता है ब्राह्मण बच्चे को ये रामकृष्ण का खेल में। क्यों, तुम्हारा खेल नहीं है, तुम भी तो खिलाड़ी हो इस खेल में, अकेले रामकृष्ण खिलाड़ी है क्या? जैसे रामकृष्ण खिलाड़ी हैं ऐसे तुम भी खिलाड़ी हो, वो पार्टधारी हैं रंगमंच पर, तुम भी पार्टधारी हो। हाँ, और सामना करना और सेवा करना, धारणा करना, सामना करना और सेवा करना, सहन करना, सहन करना, ये सेवा फील्ड में कैसे करना? सहन करना और सामना करना, सहन करना है सेवा के फील्ड में जब हम हैं तो सहन करना है अपने परिवार के भांतियों के साथ। जब अपने परिवार के भांतियों के बीच में हैं तो सेवा भाव ऐसा होना चाहिए कि हम हर बात में सहन करने की स्टेज में रहें। और जो परिवार के नहीं हैं, हमारे ब्राह्मण परिवार के नहीं हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं, ब्रह्मा बाप को या भगवान बाप को जिन्होंने नहीं पहचाना है, वो जब विरोध करते हैं तो हमें उनका सामना करना है, सहन करके नहीं बैठ जाना है, उनकी 10 बातें हमें सुननी नहीं है, उनको 10 बातें सुनानी है ज्ञान की, अपोजिशन करके। बाकी अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाने की बात नहीं है, उन्हें तो स्नेह देना है, प्यार देना है। अगर कोई ऐसी बात अपोजिशन की, संस्कार की, टकराव की आ जाती है तो सहन करना है, यही ईश्वरीय सेवा है। कहां सहन करना है, कहां सामना करना है, वो ईश्वरीय सेवा में ध्यान में रखने की बात है। बाबा मुरली सुनने का समय नींद आता है, वार्तालाप सुनने का समय नींद जाता है, वार्तालाप है लड़ाई, वार्तालाप में होती है लड़ाई, एक ने एक बात कही दूसरे ने समझी नहीं, उसकी बुद्धि में बैठती नहीं, उसको प्रश्न पैदा होते हैं तो वो हो गई लड़ाई। ये लड़ाई में मजा आता है, कोई संस्कार होते हैं लड़ाई के तो उनको लड़ाई में मजा आता है। जैसे बाबा कहते हैं कि गीता ज्ञान जहां सुनाते हैं तो वहां लोग जाते ही नहीं है, बहुत थोड़े लोग जाते हैं। गीता ज्ञान सुनने के बाद जब भगवान गीता ज्ञान पूरा करते हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है लोगों को, तो होती है भागवत, क्या भागना शुरू कर देते हैं भगवान के पास। जब भागवत शुरू होती है तो महाभारत शुरू हो जाता है। तो भागवत में बहुत लोग जाते हैं, गीता ज्ञान सुनने में लोग नहीं आते। तो कोई के संस्कार होते हैं ऐसे लड़ाई में ज्यादा रुचि लेने के, तो उनको वार्तालाप अच्छा लगता है। जैसे कोई को अव्यक्तवाणी ज्यादा अच्छी लगती है, कोई को मुरली अच्छी लगती है, ऐसे होता है ना। तो अव्यक्तवाणी उनको अच्छी लगेगी जिनमें दिव्य गुणों की धारणाएं कम होंगी, आसुरी अवगुण ज्यादा भरे पड़े हैं, लक्ष्य लिया है देवता बनने का, इसलिए उनको देवता ब्रह्मा और फिर कृष्ण की वाणी अच्छी लगेगी, क्योंकि देवता बनने का लक्ष्य है।
और जिनका देवता बनने का लक्ष्य नहीं है उससे भी ऊंचा लक्ष्य है। भगवान के बच्चे बनने का लक्ष्य है, भगवान के बच्चे हैं भगवान भगवती, तो भगवान भगवती सतयुग में बनेंगे या संगम में बनेंगे? संगम में बनेंगे, उनको फिर मुरली अच्छी लगेगी। और बाबा ब्रह्मा को बच्चा, रावण गुरु, हनुमान गणेश, देहाभिमान, ओसामा बिन लाडन ऐसे ऐसे कहते हैं, लेकिन मम्मा को कभी भी नेगेटिव में नहीं कहते हैं। मम्मा में प्योरिटी की धारणा नहीं है क्या? तो फिर ब्रह्मा पुरुष चोला है या स्त्री चोला है? पुरुष चोला है। और पुरुष चोला होने के बावजूद भी बाप को पहचानता है या नहीं पहचानता है? तो फिर क्या है? जो बाप को नहीं जानते हैं वो नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? नास्तिक हो गए। बाबा चिट्ठी लिखने से बाबा से रिप्लाई देता है ऐसे कुंडली में है, लेकिन महीने 18 जुलाई को बाबा को चिट्ठी लिखा था, 9 महीने होने के बाद भी रिप्लाई नहीं आए। बाबा खुद आ जाते हैं तो चैतन्य चिट्ठी तुम्हारे सामने आ गई, पूछ लो। बाबा तो वार्तालाप में कहते हैं ना, पूछो जो कुछ तुम्हें पूछना वो पूछ लो। बाकी पोता मेल का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। चिट्ठी में अगर पोता मेल की बातें लिखी हुई हैं तो कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। और श्रद्धा करता है बाबा, श्रद्धा करता है कोई मरते हैं ना उनको श्राद्ध करते हैं। कोई मरते हैं तो श्राद्ध करते हैं। हाँ, एक साल में एक बार। यहाँ मरना जीते जी मरना है या शरीर से मरना है? यहाँ है देह अभिमान से मरना। जो देह अभिमान से मर जाते हैं तो उनके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती है या घट जाती है? श्रद्धा भाव बढ़ जाता है, वो श्राद्ध है। तो ज्यो ज्यो आगे बढ़ेगा और ही श्रद्धा बढ़ती जाएगी। जैसे रावण का पुतला हर साल बढ़ता जाता है, ऐसे ही श्रद्धा भी हर साल दिनों दिन बढ़ती जाएगी, जो जीते जी मरते जाएंगे। और बाबा को ही आध्यात्मिक में चलने वाले जीवात्मा अपना हरण का आलम होकर जीवित रहने के समय अपना तिथि भोजन सबको देता है, बाद में शरीर छोड़ता है, उसको शरीर छोड़ने का कैसा मालूम होता है? उनकी आत्मा ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म ज्यादा किए हैं, इसलिए सात्विकता की स्टेज वाइब्रेशन में भरी हुई है, इसलिए उनको पता लग जाता है। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई गति सदगति हो जाती है। पता लगने के बावजूद भी दुर्गति ही होती है, आत्मा नीचे ही गिरती है, ऊंची नहीं उठती है। बाबा मुरली में शिववंशी ब्रह्म कुमार कहते हैं, शिववंशी ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी। हाँ, ब्रह्म कुमार कुमारी अगर शिव और ओम शिव कहें तो हर्जा क्या है? हम प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी कहते हैं ना। मुरली में शिववंशी ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी है। मुरली में कहाँ शिवो हम ब्रह्म कुमारी है, शिववंशी। शिववंशी तब कहेंगे जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हुए हैं तो हम शिववंशी नहीं हैं। शिव जो है वो क्या है? शिव मेरी आत्मा का नाम है, शिव मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। तो जो बिंदु रूपी स्टेज में टिक जाते हैं वो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमार है। जब तक नहीं टिके हैं
तब तक नाम चलता है। मुरली में बताया है शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी, लेकिन बने नहीं है अभी प्रैक्टिकल में। और बाबा कर्नाटक में शिवगंगे पहाड़ में शिवलिंग पर घी रब करने के बाद मक्खन देता है, वो कैसे? मक्खन भी लगाते हैं, घी भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, दही भी चढ़ाते हैं मंदिरों में जाकर के। कोई भी मंदिर में शिव के मंदिर में जाके देखें, हैं? घी लगाए तो वो मक्खन बन जाता है। जो घी रहता है ना, घी शिवलिंग के ऊपर जो उस पत्थर में कोई ऐसा तत्व होगा जिस तत्व से घिसने से उसमें पानी आता है, और वो पानी ऐसा केमिकल वाला है जिसके आधार पर फिर मक्खन बन जाता है। बाबा के वरदान सारा परिवार ज्ञान में आता है, ये इसी जन्म में या दूसरे जन्म में? इसी जन्म में, अगले जन्म में दूसरा परिवार होगा या यही परिवार होगा? हाँ, इसी जन्म में पूरा परिवार ज्ञान में आ जाएगा। बाबा पीके में शिवानी बहन स्ट्रेस मैनेजमेंट नाम में राजयोग सिखाते हैं। राजयोग एक परमपिता परमात्मा ही सिखाता है या भाई बहने सिखाते हैं? बीके में सिखाते हैं या दुनिया वालों में सिखाते हैं? दुनिया वाले जो सन्यासी हैं वो भी तो विदेशों में जाके ये प्रचार करते हैं, हम राजयोग सिखाते हैं। हमको बाबा सिखाते हैं। तो क्या वो राजयोग सिखाते हैं? जिस योग में राज भरा हुआ है, जो योग मनुष्य से देवता बनाने वाला है, वो राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा मनुष्य सिखा ही सकता है क्या? तो वो शूटिंग कर रहे हैं दुनियावी सन्यासियों की। जैसे दुनियावी सन्यासियों ने बोला हम राजयोग सिखाते हैं, विदेशों में जाकर बोलते हैं, ऐसे ही वो शूटिंग कर रहे हैं उन सन्यासी गुरुओं की जो कहते तो हैं हम राजयोग सिखाते हैं, लेकिन राजयोग तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है या निवृत्ति मार्ग वालों के लिए है? तो जो सिखाने वाले हैं वो प्रवृत्ति मार्ग में है या निवृत्ति मार्ग में है? वो कैसे सिखाएंगे? जो खुद ही निवृत्ति मार्ग में है वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग कैसे सिखाएंगे? पहले तो आकर के प्रवृत्ति मार्ग वाले बनो, फिर प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग सिखा वो समझाने में किसी को सहयोगी बन सकते हैं ईश्वर के। और बाबा गीता पाठशाला चलने वालों को लक्ष्मी नारायण कहते हैं, लेकिन दोनों उत्तरमाला मंडप होने से दोनों नारायण बचे हैं ना, तो लक्ष्मी नहीं आएगी उनकी? आएगी या नहीं आएगी इसी जन्म में? दोनों को भी लक्ष्मी आते नहीं आएगी? तो फिर दोनों लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। और हाँ, तो छोटा छोटा याद करो ना, बड़ा बड़ा क्यों याद करते हैं? हाँ, छोटे छोटे महावाक्य याद करो, तीखे तीखे। बाबा मेरे जीवन में लौकिक में भी स्त्रियों से बहन माता और कोई और अलौकिक पीके में भी स्त्रियों से और एडवांस में भी स्त्रियों से मुझे धोखा होता है, क्यों? पुरुषों से धोखा नहीं होता है? स्त्रियों से ज्यादा, स्त्रियों से ज्यादा धोखा होता है। तो आपका लगाव स्त्रियों में ज्यादा लगता है तो ज्यादा धोखा होता है। जब लगाव ही नहीं होगा तो धोखा कहां से होगा? जिससे ज्यादा लगाव लग जाता है उसी से धोखा होता है। लगाव नहीं होगा तो धोखा भी नहीं होगा। और बाबा ब्रह्मा से ब्राह्मण बनते हैं तो कौन सा ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा या प्रजापिता ब्रह्मा या लेखराज ब्रह्मा? क्या क्या क्या? ब्रह्मा से ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण बनते हैं, ठीक है। कौन सा ब्रह्मा? वो ब्रह्मा
जिस ब्रह्मा में प्रवेश करके शिव ने प्रजापिता को साक्षात्कार का रहस्य सुनाया, साक्षात्कार की बात सुनाई, साक्षात्कार के सारा वृत्तांत सुनाया, वो है आदि ब्रह्मा। वो कोई स्त्री चोला था जिसने सुनाया, वो ही यज्ञ के आदि वाली जगदम्बा है जो अंत में जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, जो आदि सो अंत। आदि में भी स्त्री चोला वाली थी और अंत में भी स्त्री चोला वाली के रूप में ही प्रत्यक्ष होती है, वो है ब्रह्मा जगदम्बा। बाद में पाठ शुरू होता है दादा लेखराज ब्रह्मा का, सन 47 से, जब परमात्मा बाप उनमें प्रवेश करते हैं मुरली चलाने के लिए। उस समय न प्रजापिता होता है न वो माताएं होती हैं, इसलिए ब्रह्मा का आधार लेना पड़ता है। और किससे ब्राह्मण बना है, किससे ब्राह्मण बना, वही आदि ब्रह्मा से प्रजापिता पहला ब्राह्मण बना। मुरली में बोला है ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? प्रजापिता को पहले ब्राह्मण बनना पड़े या नहीं बनना पड़े? पहले ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, जो पहला वैश्य सो पहला शूद्र, वो ही फिर पहला ब्राह्मण बनता है। तो आदि ब्रह्मा से पहले पहले किसने सुना? जिसने सुना वो पहला ब्राह्मण हो गया। और शूद्र से ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, शूद्र से ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा कहते हैं ना, तब दादा लेखराज आता है या दादा लेखराज कहां से हो गया? उस समय दादा लेखराज उस समय हो जाता तो फिर ये क्यों कहा जाता मैं जब आता हूं तो तीन देवताओं के साथ आता हूं? उसमें ब्रह्मा का तो नाम है ही नहीं दादा लेखराज का, है या नहीं? नहीं है, तो उनका नाम नहीं है। हाँ, तीन देवताओं में मुरली तो उनके द्वारा चला। मुरली चलने से फायदा क्या हुआ जब किसी की समझ में नहीं आई? तुम्हें बांस की मुरली चाहिए, काठ की, कठबुद्धि बनना है, क्या चाहिए? काठ की मुरली भक्ति मार्ग में क्यों गाई हुई है? क्योंकि कठबुद्धि के द्वारा सुनाई गई है। जिसकी बुद्धि काठ की थी, काठ कठोर होता है या मुलायम होता है? है बुद्धि पत्थर बुद्धि अच्छी या पारस बुद्धि अच्छी? पारस बुद्धि अच्छी, पत्थर बुद्धि है, काठ बुद्धि है तो वो तो अच्छी नहीं है, इसलिए फायदा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए उसको ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, उस मुरली को। अमृत कब बनेगी मुरली? जब उस मुरली का मंथन किया जाए, मंथन करके नई नई बातें निकलें, तब उस मुरली को कहा जाएगा ज्ञानामृत, गीता ज्ञानामृत। इसलिए मुरली में बोल दिया है अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। उस समय तो वो काठ की मुरली थी, न बोलने वाला समझ रहा था न सुनने वाले समझ रहे थे। अगर उसी समय समझ रहे होते तो फिर यहां अलग से बैठने की क्या जरूरत थी? वो ठीक है ब्रह्मा, तो अभी तक जो ब्रह्मा दादा लेखराज को फॉलो कर रहा है तो वो अभी ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नहीं करते। ये बात नहीं है, वो तो है ही। ब्रह्मा माने कृष्ण की सोल, कृष्ण की सोल माने देवता सोल। देव आत्मा को ज्यादा धारणा करने की दरकार है या राक्षसों को ज्यादा धारणा करने की दरकार है?
हाँ वो तो है ही धर्मराज का पार्ट, धारणा माता का काम है। माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? जगदम्बा। जगदम्बा तो डब्बा है, उसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? ब्रह्मा। तो वो तो धारणाओं की देवी है। यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि धर्म का युद्ध करने वाला कोई यूपी में पार्ट बजाता है विशेष, तो जो विशेष पार्ट बजाने वाला है धर्म का युद्ध है, प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है, वो जरूर ईश्वरीय ज्ञान लेने वाला होगा या दुनियावी मनुष्यों से ज्ञान लेने वाला होगा? ईश्वरीय ज्ञान ही धर्म युद्ध का खेल दिखा सकता है। और भी प्रैक्टिकल में हो भी रहा है, यूपी में धर्म युद्ध का खेल शुरू हो गया, धुआंधार पुतले जलाए जा रहे हैं, और धर्म युद्ध का खेल ऐसा चल रहा है जिसमें पुतले जलाएं या कुछ भी करें, कुछ भी बिगाड़ नहीं हो पा रहा है। जो अधर्म का युद्ध करने वाले होते हैं वो सुनी सुनाई बातों के आधार पर चलते हैं, धर्म का युद्ध करने वाले सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं चलते हैं। बाबा ऐसा पुतला जलाते हैं ना, इन लोगों का आगे चलकर पनिशमेंट ज्यादा होगा ना। वो अज्ञानी बनकर जलाते हैं या ज्ञानी बनकर जलाते हैं? हैं? अज्ञानी बन के जलाते हैं। पुतला जलाने से कोई नुकसान हो जाता है क्या? पुतला जिसका जलाया गया उसका पुतला जलाने से क्या कोई उसका नुकसान होता है? कुछ नहीं। ये तो अज्ञानता की बात है कि रावण का पुतला जलाया तो रावण जल गया, इसलिए मुरली में बोला है शंकर को ऐसे दिखाया है जैसे रावण, राम ही रावण बन जाता है। तो यूपी में दुनिया वालों की दृष्टि में राम ही क्या बन गया? रावण बन गया। हाँ बाबा, रुद्रमाला मण के सुरम सीख 2.25 लाख सभी दुर्योधन दुशासन है ना? हाँ सही बात है। यज्ञ के आदि में उतना ज्ञान नहीं था, यज्ञ का आदि में। अरे ये बात समझ में आ गई, 2.25 लाख सभी दुर्योधन दुशासन है। सभा संस्कार में है? सभा संस्कार में पुरुष है, पुरुष हैं, कठोर हैं, इसलिए सभी दुर्योधन शाक तो नहीं लग रहा है।
इस बात से शाक तो नहीं लग रहा है? हाँ? जैसे करंट का शॉक लगता है ना, ऐसे ये बात है जब आती है सामने कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, तो कुछ शॉक तो नहीं लगता है? लगता है स्त्री चला भी सभा संस्कार है, पुरुष सभा संस्कार है, इसलिए सभी मित्र वाला मन के स्त्री भी दुर्योधन दुशासन होता है ना? बिल्कुल, वो इस जन्म में स्त्री बन गए, लेकिन पूर्व जन्मों में राजाएं थे या नहीं थे? जब राजाएं थे तब पुरुष चोला था या स्त्री चोला था? पुरुष चोला था। और बाबा यज्ञ का आदि में इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए प्रजापिता यज्ञ छोड़कर चला गया था, अंत में बहुत ज्ञान है, तो अंत में यज्ञ छोड़कर चलने का दरकार क्या है? कौन कहता है यज्ञ छोड़ के चला जाएगा? तो कौन कहता है या आदि सो अंत है? आदि में कहाँ है? वो तो 42 में गया। आदि तो सन 36 कहेंगे या 42 कहेंगे? 36 है आदि। छोड़ के चले जाने वाली बात कहां से पैदा हो गई? अगर सारे ही छोड़ के चले जाएंगे तो फिर बीज से वृक्ष कैसे बनेगा? अरे बीज एक है या दो हैं सारी सृष्टि के? जब बीज एक है और वो बीज भी जला दिया जाए, भस्म हो जाए, तो फिर नया वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष कहां से पैदा होगा? इसलिए एक तो कम से कम रहना चाहिए। इसलिए शंकर के लिए ही कहते हैं कि वो आजर हमारा विनाशी है, और आत्माएं जीव आत्माएं जो भी बनती हैं वो अविनाशी नहीं है। शंकर के लिए कहते हैं अजर अमर अविनाशी। मुरली में भी बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम चीज कोई है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। बाबा बाबा ये चाहो इन इंग्लिश में, क्योंकि है? क्योंकि मुरली और अवस्थावाणी में बहुत बहुत इंग्लिश वर्ड से यूज करते हैं ना। हाँ? ठीक है, क्योंकि बाप इस समय विदेशी बनकर के आया हुआ है, तो जो बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है वो विदेशी भाषा बोलने दोगे या नहीं बोलने दोगे? बोलना पड़ेगा। बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी साकार में है या निराकार में है? दिव्य दृष्टि दो प्रकार की है, एक है साक्षात्कार और एक है बुद्धि। बुद्धि के आधार पर क्लियर हो जाए कि ये बात ऐसे है, उसको कहते हैं बुद्धि का साक्षात्कार, दिव्य दृष्टि। और एक है बंद आंखों का साक्षात्कार, जैसे स्वप्न देखता है कोई, वो साक्षात्कार कभी कभी खुली आंखों भी कोई कोई को होता है, तो वो साक्षात्कार जो है वो ज्ञानी आत्माओं को नहीं होता है। जो अज्ञानी आत्माएं होती हैं, भक्त किस्म की आत्माएं होती हैं, लेकिन उनमें प्योरिटी की भावना ज्यादा होती है, बुद्धि का पुट उतना नहीं होता है, उनको बंदाकों का साक्षात्कार होता है। क्या सेवा करते हैं? क्या सेवा करते हैं उनको बताओ। और जो संस्थाएं हैं वो जिस्मानी सेवाएं करती हैं, और हमारी जो संस्था है वो आत्मा की सेवा करती है। आत्मा क्या है, आत्मा कहां से आती है, आत्मा किससे सुधरती है, आत्मा को सुधारने वाला कौन है, आत्मा कैसे चक्कर काटती है, ये सब बातें हमारे यहाँ बताई जाती है। तो आत्मा को देखा है,
भगवान को तुमने देखा है? उनसे पूछो, भगवान को तुमने देखा है? किसको नहीं मानते? तो मरोगे, मरो ऐसे ही। क्या तुम उसके जड़ पुतले जलाओगे और वो तुम्हारे चैतन्य जला देगा? बाबा पीछे इसमें होता नहीं, ब्रह्मा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी ब्रह्मा और कुमारी का होते हैं। कुमारी का था निमित्त निर्माण और निर्मला वाणी। तो बोलने से हो जाता है? किसी के बोलने से हो जाता है क्या? मुरली तो नहीं बोलती है, मुरली क्या बोलती है? मुरली ज्यादा ऊंची या जो ये बातें बोलते हैं वो ज्यादा ऊंचे? तो मुरली में तो ये बोला है, इन सब सितारों में सबसे जास्ती मान मर्तबा होता है कुमारका का। फिर दूसरी वाणी में बोला है, जिनका बहुत मान मर्तबा है वो है बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी। दो वाक्य हो गए, इनका क्या मतलब हुआ? पहले कुमारका दादी के बारे में तो सुन लो, क्या सुना? बहुत मान मर्तबा है तो भ्रष्टाचारी समझो। हाँ, तो निमित्त निर्माण चित्त है या भ्रष्टाचारी हुई? बात खत्म हो गई। ब्रह्मा तो निराकारी था ही नहीं, निराकारी होता तो शरीर क्यों छोड़ता है? अकाले मौत होती है? निराकारी होने वाले की अकाले मौत होती है क्या? नहीं हो सकती। नहीं बाबा, ये बात ब्रह्मा बाबा की लास्ट वर्ड था ना, बच्चों के लिए कहा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनो। हाँ, तो बोलने वाला खुद बना क्या? तो फिर दूसरे कैसे बनेंगे? दूसरों को बोला। वही तो बताया, जो दूसरों को बोलता है खुद नहीं बना तो वो सफल हुआ क्या? उसको सफल नहीं कहेंगे, ये सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कहना है। और विकेस में चार धाम का यात्रा डेली बुद्धि से करने का बोलता है। मधुबन में शांति स्तंभ, बाबा का कुटीर, बाबा का रूम और स्त्री हाल। ऐसे ही चार धाम का यात्रा, चार धाम का यात्रा हो गई। बाबा की कुटिया में जाओ, बाबा के रूम में जाओ, स्तंभ का शांति स्तंभ में, एक ही जगह तो है चारों। बोलता है तो ये बातें तुम्हें क्यों याद रहती हैं? भीखे में था, लेकिन मनुष्यों की बातें तुम्हें क्यों याद रहती हैं? मुरली की बातें क्यों नहीं याद है? कंफर्म करने के लिए बाबा से। नहीं, मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वो सब झूठ बोलते हैं। मनुष्यों की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। मुरली क्या बोलती है उन बातों पर ध्यान देना, क्योंकि मुरली शिव बाबा ने बोली है। बाबा शिव ध्वज का महत्व क्या है? ये क्या होता है? ये होता क्या है? शिव का झंडा तो बाबा ने त्रिमूर्ति का झंडा बताया, त्रिमूर्ति शिव। मुरली में बोला, तुम्हें सारी मनुष्यों की ही बातें याद हैं। मुरली में क्या बोला है? मुरली में तो बोला है त्रिमूर्ति शिव का झंडा है। तुम्हारा झंडा कौन सा है? हमारा यही त्रिमूर्ति शिव का झंडा है। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियां हैं उसमें, ब्रह्मा विष्णु शंकर लगे हुए हैं, उसी की यादगार आज की गवर्नमेंट का भी झंडा है, तीन कपड़ों का झंडा। हाँ जी, उसका चैतन्य रूप दिया हुआ है। बाबा बीके को संदेश देने का कहते हैं कि दो नवाया में हम पाव नहीं रखते, हमके इतने चाहिए। को संदेश देने, साकारी पाठ का संदेश देने के समय वो कहते हैं, हम दो नवाया में पाव नहीं रखते, हमको क्या मिला है क्या मिलता है इतना ही बस। दो नवाया में हम पाव नहीं रखते। दो नवाया कौन सी? उनको पता नहीं है कि यहाँ जो एडवांस ज्ञान चल रहा है वो एडवांस ज्ञान में भी मुरली ही सुनाई जाती है, ये दूसरी नवैया नहीं है। ये हमारा मुरली है, आप सुनते हैं ना?
ये मुरली ये तो तुमने कन्वर्ट कर दी, तुम्हारे मुरली के एक एक वाक्य सारे कन्वर्ट किए हुए हैं। बाबा तीन मूर्तियों का पार्ट 33 इयर्स है, ब्रह्मा का पार्ट 36 से 69 तक 33 इयर्स हुआ, शंकर का पार्ट 69 से 2002 तक हुआ 33 इयर्स, और विष्णु का पार्ट करता है ना, विष्णु का पार्ट, विष्णु का हाँ चल रहा है, चल रहा है, नहीं तो नई दुनिया का फाउंडेशन कैसे पड़ता। नई दुनिया में विष्णु चाहिए या नहीं चाहिए, तो फाउंडेशन पड़ रहा है ना, तो विष्णु भी है तो फाउंडेशन भी पड़ रहा है, विष्णु ना होता तो फाउंडेशन कहां से पड़ता नई दुनिया का। हाँ मेडिटेशन तो अंग्रेजी का शब्द है, याद क्या है, जैसे माँ बच्चे को याद करती है तो उसका चेहरा मोहरा सामने आ जाता है ना, बच्चे की एक्टिविटी सामने आ जाती है ना, तो ऐसे ही हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का रूप हमारे सामने आ जाता है, उसकी एक्टिविटी हमारे सामने आ जाती है। जिनको आ जाती है वो प्रैक्टिकल में याद करते हैं, जिनको नहीं आता है वो प्रैक्टिकल में याद नहीं कर रहे हैं। ओम शांति।